पॉइंटर अरिथमेटिक तो जैसे हमारा जो पॉइंटर है उस वेरिएबल पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे फर्स्ट जो है एडिशन ऑफ एन इंटीजर टू अ पॉइंटर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर टू अ पॉइंटर यानी कि अगर कोई पॉइंटर है तो उसमें हम कोई भी इंटीजर ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे पॉइंटर है उसमें फाइव ऐड कर दिया टेन ऐड कर दिया ट्वेंटी ऐड कर दिया उसी तरीके से सबट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर टू अ पॉइंटर जैसे हमारा जो भी पॉइंटर है उसमें सेट तो माइनस फाइव कर दिया माइनस टेन कर दिया नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ अ पॉइंटर ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ अ पॉइंटर फ्रॉम अ पॉइंटर ऑफ सेम टाइप जैसे एक पॉइंटर है और एक दूसरा पॉइंटर है तो फर्स्ट वाले में से हम सेकेंड वाले को माइनस कर सकते हैं एड्रेस को एक है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी कर सकते जो नहीं कर सकते वो क्या है कि मल्टी अप्लीकेशन ऑफ़ टू पॉइंटर देन एडिशन ऑफ टू पॉइंटर ये नहीं कर सकते आखिर क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जनरली क्या होता है ये हमारा एड्रेस है तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत वास्ट मतलब रिजल्ट देता है जैसे एट है एट में एट से मल्टीप्लाई करें तो एक ही बार डायरेक्ट सिक्सटी फोर गया और अगर एट में हम फाइव ऐड करें थर्टीन टेन ऐड किया एटीन तो ये थोड़ा माइनर मतलब थोड़े थोड़े चेंजेज आ रहे हैं लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो जनरली इसलिए अवॉइड किया जाता है ना कि हमारा जो मेमोरी है एक लिमिटेड है फिक्स्ड है और उसमें से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या पता वो इसके इंडेक्स से ही बाहर हो जाएगा और फिर उसको हम रेफरेंस कर रहे हैं तो रन टाइम जो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा तो इसलिए जनरली ये क्या है कि अवॉइड किया जाए तो मतलब ये यूज नहीं मतलब कर सकते हम एक और बात है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब ध्यान देने वाली बात हमें ये है कि कोई भी हम पॉइंटर को एक्सेस जब हम मतलब वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं या फिर कोई वैल्यू उस पर असाइन कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुद श्योर होना चाहिए कि ये वैल्यू वैल्यू जो मेमोरी एड्रेस है ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि अगर नहीं करेगा तो हमारा रन टाइम पे क्या होगा एरर आएगा मतलब अब एरर क्या आएगा प्रोग्राम ही क्रैश क्रैश हो जाएगा क्योंकि उस वक्त जाहिर है वो मेमोरी लोकेशन फाउंड नहीं हो गया तो इसीलिए जो है हम सिंपली जो एडिशन एक नंबर कर सकते हैं सबट्रैक्शन कर सकते हैं मतलब स्मॉलर है नंबर हाँ एक जो है और बात कि जैसे हमने कोई भी एडिशन जैसे ए में ले लिया ए प्लस फाइव तो ये क्या करता है ए में जितना वैल्यू है सपोज कि सिक्स है सिक्स प्लस फाइव करके एलेवन ऐड कर देगा उसी तरीके से थ्री प्लस फाइव प्लस थ्री और यहाँ पे ए है तो थ्री सिक्स एलेवन तो ए में अलेवन स्टोर हो जाएगा तो ये ऐसे होता है लेकिन पॉइंटर के केस में थोड़ा डिफरेंट है तो वो कैसे होता है अब जैसे सिंपली देखो आप यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया और यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे ये इंटीजर टाइप का है अगर टोटल इंटीजर टाइप का है तो जैसे इंटीजर क्या हो गया ये फोर बाइट यहाँ पे अगर एड्रेस की बात करूँ तो सपोज कर लो कि फोर्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू एंड देन एक दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पर क्या है कि कैरेक्टर यहाँ पे एड्रेस ले लेता हूँ सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी सेवेंटी वन और ये क्या होगा कैरेक्टर तो अब यहाँ पे क्या हो गया इंटीजर टाइप का तो इंटीजर अगर ए ले लिया मैंने ए और इसमें क्या है कि एक कोई वैल्यू एस्टोर कर दिया तो इसके पास क्या एड्रेस होगा फोर्टी एड्रेस है ना अब जब हम ए प्लस प्लस या ए प्लस वन करेंगे तो क्या होगा यानी कि इस वक्त ये फोर्टी वन नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर टाइप का और इसको पॉइंटर है तो कंपाइलर डेफिनेटली जानता है कि ये जो है इसके लिए इतना स्पेस रिजर्व है तो नेक्स्ट पॉइंटर जब जाएगा मतलब नेक्स्ट जो इंटीजर वेरिएबल होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा फोर्टी फोर से तो यानी कि ये डायरेक्ट जो पहले फोर्टी था ये में अब फोर्टी फोर हो जाएगा यानी कि जिस तरीके का डेटा टाइप है यानी कि यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर फोर बाइट का है तो ये फोर्टी फोर हो जाएगा उसी तरह से ए प्लस प्लस किया तो ये फोर्टी एट हो जाएगा फिर किया तो फिफ्टी टू अब यहाँ पे कैरेक्टर है तो अगर कैरेक्टर जो टू बाइट का है तो इसका जो इनिशियल जैसे सी हो गया सिक्सटी लिया तो अगर सी प्लस प्लस करें तो सिक्सटी टू फिर C++ प्लस प्लस तो सिक्सटी फोर यानी कि जिस तरीके का डेटा टाइप जो जी मतलब जिस टाइप का डेटा टाइप होता है ना उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कोई डेटा टाइप मतलब उसका जो एड्रेस है इंक्रीमेंट होता है और सही भी है क्योंकि अगर क्या है कि एप है डिनोट कर रहा है फोर्टी को यानी कि फोर्टी वाला एड्रेस है इसके पास लेकिन देखा जाए तो इसके पास चारों है ना अगर जब भी डेटा फिच करना होगा तो यहाँ से आएगा रिट्रीव करने के लिए और यहाँ से टोटल लेगा क्योंकि इतने दूर में बस एक ही वैल्यू स्टोर है और फिर ए प्लस प्लस यानी कि नेक्स्ट पॉइंटर यानी कि नेक्स्ट पॉइंटर क्या कि नेक्स्ट वाला जो वेरिएबल वहाँ पे जाके पॉइंट करे तो यहाँ से स्टार्ट करेगा क्योंकि यहाँ से वैल्यू स्टोर होगा और उसी तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर है कैरेक्टर टू बाइट लिया तो नेक्स्ट करने के लिए जंप करेगा नेक्स्ट फिर नेक्स्ट टू तो टू बाइट करेगा तो यानी कि जो भी हम मतलब पॉइंटर वाला हम एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं जैसे ये वाला खास करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो वो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है मूव करता है अब एक एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड तो अब यहाँ पे क्या है कि हैश इंक्लूड यहाँ पे मैंने एक ए लिया और इसका एक पॉइंटर ले लिया सेम टाइप का कैरेक्टर लिया और इसी का पॉइंटर ले लिया फ्लोट लिया उसी टाइप का पॉइंटर यहाँ पे आई पी टी आर ए सी एफ यानी कि एड्रेस दे दिया आई इंटीजर में ए का कैरेक्टर पॉइंटर में सी का और फ्लोट पॉइंटर में एफ का अब यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ आई पी टी आर यानी कि आई पॉइंटर जो है इसका जो है एड्रेस जितना होगा वो प्रिंट कर देगा फिर कैरेक्टर पॉइंट का जितना एड्रे, जो एड्रेस है वो प्रिंट कर देगा और फ्लोट पॉइंटर का जितना पॉइंटर होगा वो प्रिंट कर देगा अब क्या हुआ मैंने तीनों को प्लस प्लस किया आई पी टी आर प्लस प्लस सी पी टी आर प्लस प्लस एफ पी एफ पी टी आर प्लस प्लस तो अब फिर से हमने दोबारा प्रिंट किया तो अब जब आप रन करोगे तो पता चलेगा अगर ये जो इंटीजर पॉइंटर है अगर ये फोर ज़ीरो नाइन सिक्स दिया है तो यहाँ पे आप देखोगे फाइव थाउजेंड किया इंटीजर है उसी तरीके से कैरेक्टर पॉइंटर अगर यहाँ पे फाइव थाउजेंड टेन दिया है तो यहाँ पे फाइव थाउजेंड ट्वेल्व देगा यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर है अगर यहाँ पे दिया वन जी फोर नाइन सिक्स तो यहाँ पे देगा वन फाइव जीरो जीरो फ्लोट भी फोर बाइट का यहाँ एक पिछले प्रोग्राम में मैंने कहीं गलती से बाई मिस्टेक जो है फ्लोट को एट बाइट का ले लिया था तो वो एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे तो फ्लोट फोर बाइट फोर बाइट का ही है नहीं सॉरी गलत ही बोल दिया क्योंकि एट बाइट ही होगा क्योंकि थर्टी टू बीट का कंसिडर कर रहे हैं ना वन फोर नाइन सिक्स तो ये हो जाएगा वन फाइव ज़ीरो फोर तो ये हो जाएगा तो अभी आप इस प्रोग्राम को करो हाँ ये जो एड्रेस है ये वैरी कर सकता है लेकिन जो इंक्रीमेंट देखोगे आप इसी अकॉर्डिंगली होगा तो ये प्रोग्राम को आप राइट करो और फिर इसका आउटपुट देखो फिर ऑब्जर्व करो कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या होगा कि पता चलेगा कि अच्छा पॉइंटर जो इंक्रीमेंट करता है तो बस वो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि कितना बाइट उसे मूव करना है तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया ओके